तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट में अगर GT650 वाला इंजन हो तो क्या होगा? ज्यादा सोचो मत, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ये करने वाला है एंड हमें देखने को मिलने वाली है रॉयल एनफील्ड बुलेट 650। एंड आज हम इस वीडियो में अपकमिंग बुलेट 650 की प्राइस, सभी डिटेल्स एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो बुलेट 650 में आपको OG क्लासिक लुक मिलेगा। बुलेट 650 के लुक्स आपको टोटली बुलेट 350 के सिमिलर मिलेंगे, बट बुलेट 650 की ओवरऑल डिजाइन आपको और ज्यादा मस्कुलर दिखेगी। इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप LED हेडलाइट, इस बाइक के रियर में LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। रॉयल इनफील्ड बुलेट 650 में आपको एक सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड इस बाइक के रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम इस बाइक के इंजन और बात करें तो बुलेट 650 में आपको सेम GT650 वाला इंजन मिलेगा, 647.95 cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल इंजन। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 47.4 PS की पावर एट 7250 RPM एंड 52.3 Nm ऑफ टॉर्क एट 5150 RPM। नेक्स्ट आपको इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिलेंगे विद ड्यूल चैनल ABS एंड आपको बुलेट 650 के फ्रंट एंड रियर में स्पोक अलॉयज मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो अभी रॉयल एनफील्ड इस बाइक के प्रोडक्शन रेडी मॉडल को इंडियन रोड पर टेस्ट कर रहा है एंड वहीं से इस बाइक के बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं एंड आप इस बाइक को लॉन्च इंडिया में जून 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इस बाइक में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट एडिशन मिलेंगे एंड इस बाइक की प्राइस भी एज पर द मॉडल वेरी करेगी। इस बाइक के बेस्ट मॉडल की प्राइस आपको क्लोज टू 3 lakh rupees एट शोरूम मिलेगी। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद आपको रॉयल इनफील्ड के 650 cc कैटेगरी में बहुत सारी बाइक देखने को मिलेगी एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि आखिर कौन सी बाइक उनके लिए है। बाकी आप आखिर कमेंट करके बताओ कि आपको 650 cc कैटेगरी की रॉयल इनफील्ड की कौन सी बाइक पसंद है। एंड ये थे हमारे कुछ लास्ट वीडियो के कमेंट्स एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। मैं मिलता हूं आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।